देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रैफिक नियम तोड़ा तो 15 दिन के भीतर नोटिस। राज्य में डेंगू मलेरिया का बढ़ रहा खतरा। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर ईडी के समक्ष पेश होंगे देशमुख। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को यातायात नियमों के उल्लंघन होने के 15 दिनों के भीतर नोटिस भेजना होगा। साथ ही चालान के निपटने तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संग्रहित करना होगा। मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1990 के तहत अधिसूचना जारी की है, जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। दूसरी खबर, बारिश के मौसम में मच्छरों के बढ़ने के साथ ही फैलने वाली डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। नागपुर समेत मुंबई, पुणे आदि महानगरों तथा ग्रामीण इलाकों में भी ऐसी बीमारियां पैर पसार रही है। राज्य रोग सर्वेक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रदीप आउटे ने बताया कि पिछले 7 महीनों में डेंगू के 2169 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि चिकनगुनिया के 757 मरीज मिले हैं। इन दोनों बीमारियों के नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, सतारा में अधिक मरीज हैं। राज्य में डेंगू के इस वर्ष जनवरी से जुलाई के अंत तक 2169 मरीज मिले, इनमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। नागपुर जिले में 140, पुणे में 123 मरीज, वर्धा में 98, नासिक में 95 मरीज व यवतमाल जिले में 83 मरीजों की पुष्टि हुई है। तीसरी खबर, राज्य के पूर्व गृह मंत्री एवं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता अनिल देशमुख ने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। ईडी ने देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के संबंध में तलब किया था। यहां एक बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ईडी मामले में उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और उस पर जल्द ही सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने उन्हें निचली अदालत का रुख करने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके पूरा होने के बाद मैं ईडी के सामने पेश हो जाऊंगा। मैं ईडी के साथ सहयोग करूंगा। मैंने अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में सदा ऊंचे आदर्शों का पालन किया है। देशमुख ने कहा कि वह कानून का पालन कर रहे हैं और ऑनलाइन पूछताछ के लिए भी तैयार हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लाइक इन हाइक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात। देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ। हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात। आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार दोनों पहलुओं पर होगी बात। मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। सरकार से सीधी बात दोपहर 2 बजे